आतंकवादियों की हिमायत के चलते पूरी दुनिया में बदनाम और बेनकाब हो चुके पाकिस्तान के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस मामले पर अमेरिका और यूरोप के साथ दुनिया के कई मुस्लिम देशों के बीच पहले ही ठनी हुई और अब ऐसे में पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए यूरोपियन यूनियन में उस पर भी पूरी तरह बैन लगाने की मांग उठाने लगी है। दरअसल फ्रांस की पत्रिका चार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद के विवाद संपत्त कैरिकेचर को लेकर पिछले महीने एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए और इसे लेकर यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में कट्टरपंथी सोच की लानत मलामत की। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान समेत दूसरे कई मुस्लिम देशों में सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी चीज़ों के बहिष्कार की मांग उठाने लगी और इसमें भी पाकिस्तान से फ्रांस के खिलाफ आवाजें उठी। इसके बाद अब पाकिस्तान भी यूरोपियन यूनियन के निशाने पर आ चुका है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।